गुरु महाराज के द्वार में जूते लेके जाना, सिर ढक के नहीं जाना, इससे बड़ा पाप नहीं है। पाकिस्तान में अरे छोटी मोटी घटना कह के हमारे गुरु का अपमान कर दिया और कहते छोटी मोटी घटना। भारत माँ के चार छिपाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बचपन से लेके 7 साल की उम्र से लेके आज तक हमारा भी नारा है। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ साथ एमएस बिट्टा साहब हैं, चेयरपर्सन हैं एआईटीएफ के, हिंदुस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर, पहले फॉरेन मिनिस्टर सरदार दरबार सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह, 10 साल 2 करोड़ की आबादी माइनॉरिटी में, और हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जाल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह ज्ञानी जाल सिंह, हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरदार कुलदीप सिंह खैरा, हिंदुस्तान का आर्मी सिंह जय जय सिंह, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ सरदार विक्रम सिंह, हिंदुस्तान का एयर मार्शल सरदार अर्जन सिंह, हिंदुस्तान का नेवी का चीफ बराड़। पहली बात तो आपको बताऊं साहब, आप जो बातें कर रहे हैं ना, छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी बात, अरे जूते लेके जाना गुरु महाराज के द्वार में, जूते लेके जाना, सिर ढक के नहीं जाना, इससे बड़ा पाप नहीं है। और याद रखिएगा, आपने छोटी बात की, हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसी मजार के अंदर, अजमेर शरीफ के अंदर, ईसाई धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जूते लेके जाने की इजाजत नहीं है। आपने गुरु नानक देव जी महाराज का, सिख कौम का, मानवता के प्रतीक का आपने अपमान किया है, जो आपने जूतों की बात को छोटा कर दिया, जूतों की बात को छोटा कर दिया। बिट्टा साहब एक सेकंड रुकिए प्लीज, बिट्टा साहब एक सेकंड रुकिए जरा, बिट्टा साहब एक सेकंड रुकिए, इशाद साहब, इशाद अहमद डिबेट्स में, एमएस बिट्टा की आवाज, एमएस बिट्टा की आवाज जल्दी से। मैं बताना चाहता हूँ भाई खालिस्तानियों, जो आपने पाल रखे हैं वहां पे बब्बर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स, जो रोज यहाँ हथियार बेचते हैं, अरे जमीर मर गई खालिस्तानियों, बब्बर खालसा वालों, अरे तुम्हारे गुरु का अपमान हो गया। अरे पहले गुरु ग्रंथ साहब में वहां ग्रंथी की बेटी को किडनैप कर लिया, फिर महाराज रणजीत सिंह जिसका काबल कंधार तक राज था, जिसको कहते थे छेरे पंजाब, इनसे तो मैं बार में देखता हूँ, अरे हमारे भागे हुए यहां से गुंडो, सिख कौम का अपमान करने वालों, सिर पे पगड़ी आगे दाढ़ी, अंदर से आप आईएसआई के एजेंट, कहे आपकी जमीर जब काबल कंधार में गुरुद्वारा साहब पे हमला किया गया था, यहाँ कहते हो खालिस्तान बनाएंगे पाकिस्तान के कहने पे, आईएसआई के कहने पे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, खालिस्तान ना कभी बना था ना कभी बनने देंगे, बनेगा तो पहले भी कहा, आज भी हमारी गंदी नेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। अरे हमारे गुरु का अपमान हो गया, उसको हिंदू भी माने, उसको मुसलमान भी माने, उसको ईसाई भी माने, हर धर्म सिर झुकाए, और पहले बार बार अपमान करके मंदिरों को तोड़ दिया, गुरुद्वारा साहब को तोड़ दिया, बहु बेटियों का रोज अपमान करते हो, अरे कहां आपकी पगड़ी हो, ओए कहां हो खालिस्तानियों, तुम्हारी ऐसी की तैसी, यहां हिंदुस्तान में बड़े बड़े बोलते हैं ना, इनको आतंकवाद पे बोलने से इनकी नसें दबती हैं कि खालिस्तानियों के खिलाफ हमने नहीं बोलना, अरे सबसे बड़े गुनाहगार इनको बाद में मानू, जो पाकिस्तान में बैठे हुए खालिस्तानी, जो रोज पंजाब में खालिस्तान के नारे मरवाते, रोज नार्को टेररिज्म फैलाते, रोज हथियार बेचते, रोज कनाडा अमेरिका उनके साथ मिलकर के हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान कभी टूटा नहीं था, याद रखना, अगर दोबारा गुरु नानक देव जी का अपमान हुआ तो वहां तो नहीं, यहां से कोई हमारे जैसा सरदार जाएगा और वहां जाके ठीक करेगा, चाहे वापस वो ना आए, ये हिंदुस्तान के सरदार करना पाकिस्तान में, अरे छोटी मोटी घटना कह के हमारे गुरु का अपमान कर दिया और कहते छोटी मोटी घटना, और मैं शोर मचा रहा हूँ, अरे कहीं हिंदुस्तान में होते तो आपको उसी वक्त ठीक करते, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, अरे हमारे गुरु का अपमान कर दो, कहो छोटी मोटी घटना, अपने उसी राग पर, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क का याद रखिएगा, हिंदुस्तान ये मुस्लिम मुल्क है, बता दिया आपने, ये नहीं, वैसे कोई नई बात नहीं बताई आपने, हिंदुस्तान आपने कोई नई बात नहीं बताई, मजहब के नाम पर भारत का बंटवारा हुआ था, बताया हमें ये मुस्लिम मुल्क है, इसलिए मैंने
ये कादमी जी जो बोल रहे थे, मैं इनकी पहले भी कुछ वीडियो सुन चुका हूं। ये इसको कहते हैं मानवता, गलत को गलत कहना, ठीक को ठीक कहना। हमारी पहले भी डिस्कशनें होती रही हैं। जब पाकिस्तान का हर लीडर, हर मेरा मुस्लिम भाई अगर सच की इसी तरह आवाज उठाएगा तो हिंदुस्तान के साथ कल को हालात भी अच्छे हो सकते हैं। जब हम इनकी तरह ये कहेंगे जो छोटी मोटी बात थी, और हम और सिद्धा जी बोले, कहते हम बोलते बहुत हैं। अरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई मस्जिद है या कोई अजमेर शरीफ है, क्या किसी की हिम्मत है कि वहां जूते लेके चले जाए? सबसे पहले बिट्टा उसके लिए खड़ा होगा। तो आप ये कहना बार बार उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई थी, और कादमी जी ने क्या बोला, पहले भी ये होता रहा, आगे भी होता रहेगा। इसके लिए आप जैसे लोग इनको दबाने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए कि जो वहां पे पंजाब से भेजे हुए, पहले भी कहा, अब भी, आगे भी कहूंगा, खालिस्तानी नहीं है वो। अगर खालिस्तानी होते तो सामने आते, ये पाले हुए आईएसआई के गुंडे हैं। एक है वहां पे गोपाल सिंह चावला, हिंदुस्तान के लोग भी उनसे व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं हिंदुस्तान के लोग। और वो आज कहां है, कहां बैठा है जो AK-47 लेके कहता है हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे, नरेंद्र मोदी का नुकसान पहुंचा देंगे। हिंदुस्तान आज एक वो शक्ति ताकत है। जब यूक्रेन का पाकिस्तान यूक्रेन का रशिया से झगड़ा हुआ, पाकिस्तान के बच्चे हमारे तिरंगा झंडा लेके इतनी नाम बनाए हिंदुस्तान ने, वापस आए हिंदुस्तान के, जब पाकिस्तान के बच्चे, हमारे बच्चे जब पाकिस्तान में एक स्कूल के अंदर बच्चों को गोलियों का निशाना आतंकवादियों ने बना दिया, हिंदुस्तान की हर माँ, हिंदुस्तान का हर बाप, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, उसकी आंखें नम थी, उसने प्रेयर की कि हमारे बच्चों को शांति मिले और इन कातरों को सजा मिलिए। ये है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान को कहते हैं माइनॉरिटी, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। 2 करोड़ की आबादी, आपने, त्यागी जी ने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है। हमारा कुछ शरारती लोग शरारत कर सकते हैं, पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारा एक है, हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है। मैं कहना नहीं जाना चाहता, पर जो कादमी जी ने बोला, हिंदुस्तान में ऐसे लोग यहां भी हैं, हम भी उसी लाइन पे चलते हैं, हम भी हमेशा आवाज देते हैं। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बचपन से लेके 7 साल की उम्र से लेके आज तक हमारा भी नारा है, इसलिए हमारे ऊपर बम गोलियां चलते हैं। पर आप जो रोज पाकिस्तान के जरिए, ड्रोन के जरिए पंजाब के अंदर आतंकवादी भेजते हैं, हथियार भेजते हैं, नार्को टेररिज्म भेजते हैं, ये कोई अच्छा काम है क्या? 370 जवाब लीजिए इरशाद अहमद, उसके बाद इजाज अहमद, जल्दी जल्दी। मुझे थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने सुना नहीं बिट्टा साहब को। बिट्टा साहब, मैं यही कहता हूं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हिंदुस्तान में कोई शहीद होता है या पाकिस्तान में, दुनिया में कोई भी टेररिज्म के थ्रू जब किसी को कत्ल किया जाता है या शहीद किया जाता है, वो जुल्म होता है पूरी इंसानियत के साथ। एक बात तो ये है कि हम हमेशा हमेशा इसके खिलाफ बात करते हैं, जो ठीक नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो कुछ ये दहशत गर्दी है, ये अच्छा काम नहीं है। इंसान ही नहीं होता जो दहशत गर्द होता है, वो जानवर होता है। जानवर ही इंसानियत का कत्ल करता है, इंसान का कत्ल करता है। ये बिट्टा साहब के साथ हूँ मैं,